चलो नेक्स्ट सेक्शन लेता हूं मैं, एक सेक्शन है 35। पहले गौर से मेरे से समझो, उसके बाद एक्ट में जाओ। कारण क्या है, एक्ट में जाते हो ना तो एक्ट की लैंग्वेज आपको एक झटके में बाहर फेंक देती है। अभी आप पूरा पढ़ लो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरे समझे हुए को, या तो आप जाके घर पे फिर दोबारा से वीडियो देखो, वीडियोस को दोबारा देखो जाके, या इसको प्रॉपर रिवाइज किया करो। आप रिवाइज नहीं करते तो हमें लगता है बुरा। हम सोच रहे थे बहुत फास्ट रिवाइज कर देंगे, सबको टिप्स में होगा, कुछ भी टिप्स में नहीं है। और डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है। अभी पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो। एक एक चीज को 5-5, 7-7 बार फास्ट रिवाइज किया करो। टाइम जो टाइम है उसे किसी को दो मत। देखो थोड़ा सा समझो, फिर मैं आपको ये पढ़ाता हूं एक्ट में से। देखो कभी कभी क्या होता है, मान लो ऐसा आदमी है जिसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे एक आदमी था ए, ठीक है, इसके एक गुरुजी थे। गुरुजी ने कहा यार तू बहुत पैसे वाला हो गया, एक आश्रम की व्यवस्था करो। बोले सर कर देते, आश्रम में कहां दिक्कत है। तो बोले मेरे को इस रोड पे यहां से यहां तक एक रोड जा रहा था, उस रोड पे ये 10 बीघा जमीन है, ये खरीद के दो। बोले ठीक है सर, दे देते। तो 10 बीघा जमीन थी बी की। किसकी थी? बी की। और ए ने बी के बिना पूछे, बी चूंकि दोस्ती था उससे कहा कि यार मैंने तेरी जमीन 1 करोड़ रुपए में मेरे गुरुजी को दे दी है, पैसा मैं दूंगा, 1 करोड़ रुपए में बेच दी मैंने तेरे को। तो नाउ ही इज ट्रांसफरर। और 1 करोड़ रुपया इसने क्या किया, इसके खाते में डलवा दिया अकाउंट। कितना? 1 करोड़, ठीक है, अकाउंट में डलवा दिया 1 करोड़ रुपया। जब 1 करोड़ रुपया अकाउंट में डलवा दिया जब 1 करोड़ रुपया अकाउंट में डलवा दिया तो बी ने, अब देखो यहां पे बी को क्या करना है, चुनना है। इसे बोलते हैं इलेक्शन थ्योरी। क्या बोलते हैं? इसे ये चुनना है कि इस जो ट्रांसफर इसने कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ बी, बी को करना चाहिए था, बी की तो प्रॉपर्टी थी नहीं। प्रॉपर्टी तो हाँ, बी की प्रॉपर्टी है, ए की प्रॉपर्टी तो थी नहीं, तो ए तो कैसे करता, नहीं कर सकता, लेकिन कर दिया इसने। देखा ना ब्रोकर वगैरह जो इस तरह कर देते हैं, अकाउंट में पैसे डाल दिए 1 करोड़ रुपया। अब ये इन 1 करोड़ रुपयों को क्या कर लेता है, खर्च कर लेता है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर समझी जाएगी। यदि वापस दे देता है तो प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी? यदि वापस दे देता तो ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं। यदि यदि कुछ दिन तक ये वैसे ही रखता है पैसे को, बताता भी नहीं। अब इसकी
करीब कॉस्ट तो थी 50 लाख, क्योंकि गुरुजी ने कहा था तो उसने कहा चल ज्यादा दे देते हैं इसको, कोई और मिलेगा ही नहीं ग्राहक, 1 करोड़ दे देते हैं। एक तरह से 50 लाख रुपया और एडिशनल दे दिया। पचास लाख रुपया और एडिशनल दे दिया, ठीक। मान लो ये आदमी मर जाता है, पैसे तो इसके अकाउंट में आ गए, ये आदमी मर गया, पैसे इसके अकाउंट में आ गए हैं, प्रॉपर्टी के संबंध में इसने कोई हाँ और ना नहीं किया, तो प्रॉपर्टी बेची किसके लिए थी, किसके लिए था? गुरुजी के लिए। प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या थी? 50 लाख। तो 50 लाख रुपया तो इसके जो उत्तराधिकारी है ना, इसके जो सक्सेसर्स हैं उनको चला जाएगा। अब बचे 50 लाख, तो 50 लाख गुरुजी को चले जाएंगे कि गुरुजी नहीं, सौदा रद्द हो गया। पचास, क्योंकि इसके तो 1 करोड़ दिए चले गए ना गुरुजी के लिए। अब प्रश्न उठता है कि ये 50 लाख रुपए जो उत्तराधिकारियों को गए हैं, इसका मतलब प्रॉपर्टी 50 लाख, तब तो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। थोड़ा गलत हो गया यहां से। सॉरी, ये उत्तराधिकारियों को अभी पैसा नहीं जाएगा, ये तो पूरे के पूरे पैसे गुरुजी के हैं, गुरुजी के लिए खरीदी है, गुरुजी के पास ही चले जाएंगे, उत्तराधिकारियों को बाद में जाएंगे, वो अलग स्थिति है। सारे के सारे मना कर दिया तो सारे के सारे पैसे कहाँ चले जाएंगे? गुरुजी के पास चले गए, क्योंकि गुरुजी के लिए, गुरुजी से कहा गुरुजी 1 करोड़ रुपए ले लो या मैं तुम्हें जमीन दिला देता हूँ, तो जमीन दिला दी, ट्रांसफर कर दिए पैसे। अब चूंकि नहीं नहीं कर पाया, इलेक्शन उससे पहले ही डेथ हो गई, तो क्या हो गया, ये 1 करोड़ रुपया गुरुजी के पास, गुरुजी को देने पड़ेंगे, वो पैसे इसके सक्सेसर्स के नहीं होंगे। यहां तक की बात समझ में आई? तो क्या समझ में आया कि जो पैसा जैसे दिया है वैसे ही माना जाएगा। एक एग्जाम्पल से और समझ लो। मान लो ये दोस्त हैं, इसको 50 लाख पहले दे रुके थे इसकी बेटियों की शादी के लिए, 50 लाख और डाल दिए और कहा गया तेरे पास 50 तो मेरे आ ही रहे, 50 और डाल दिए, 1 करोड़ रुपए की तेरी 10 बीघा जमीन हो गई। तो चूंकि ये आए हुए जो पैसे थे इनको इसमें नहीं लगा सकता, इनको तू अलग मांग, इनको अलग मांग, जमीन के खाते तो ये 50 लाख ही आए। ये सेक्शन 35 है, एक बार सेक्शन 35 पढ़ो। अब देखो एक चीज और है इसमें, मान लो इसने पैसे डाल दिए 1 करोड़ रुपया, बी ने कोई जवाब ही नहीं दिया, अकाउंट में पड़े 1 करोड़ रुपया, या 2 साल तक पड़े रहे, कितने साल तक, 2 साल तक, तो ये मान लिया जाएगा ट्रांसफर वैलिड है, उसने स्वीकार मान लिया जाएगा। लेकिन 1 साल तक पड़े रहे तो 1 साल बाद उसे नोटिस दे दिया जाएगा, या ट्रांसफर, या तो स्वीकार कर या मना कर, या तो स्वीकार कर या मना कर। देखो 3 धाराएं ऐसी हैं, जैसे 35 है, 41 है, 43 है, जिसमें दूसरा व्यक्ति ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी को। तीन सेक्शन ऐसे हैं। अब 35 थोड़ा सा बड़ा है सेक्शन, पढ़ लिया क्या? 35 का पहला पैराग्राफ पढ़ो आप एक बार, सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ना, भी एक बार पहला पैराग्राफ पढ़ो,
सिर्फ पहला पढ़ लिया, और पढ़ो एक बार। अभी मेहुल सर ले रहे होंगे ना तो हमारे क्लास में, कहाँ तक करा दी था आईपीसी? आईपीसी कहाँ तक करा दिया आप लोगों का? है आज ही आया? क्यों इतनी छुट्टियां करेगा तो बेटा कैसे होगा? कहाँ तू कहाँ था? और तुम थैला भी एक ही लेके आते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले भी मना किया था कि थैला अलग अलग लाया करो, अपने किताब में अलग अलग लाया करो। ये थैला चढ़ के आएगा, तू वैसे नेता की तरह आएगा तो ये तो गलत है ना। विद्यार्थी बनो ना, जा मेहल सर को बुला के ला, वो 301 से 10 तक कराएंगे, नीचे होंगे। तीन कंडीशन अलग अलग है, अब अलग अलग करा देता हूं। पहला ए है, ठीक है, एक जी है और एक ये प्लॉट है बी का। क्या कहा? 1 करोड़ रुपए में ट्रांसफर किया जी को। एक था जो मैंने अभी आपको बताई थी, गुरुजी के लिए दे रहा था दान करके। अब अलग अलग कंडीशंस में लेते हैं, थोड़ी देर के लिए गुरुजी नहीं रखते, जी रखते हैं सिर्फ। इसने कहा जी ने कि यार मेरे को 1 करोड़ का कोई प्लॉट दे ना खरीद के। बोले मेरा दोस्त का है, खरीद दे देता हूं। इसको 1 करोड़ भेज दिया, 1 करोड़ भेज दिया। फिर एक करोड़ भेज दिया, और 1 करोड़ भेज दिया, लेकिन ये चुप रहा। मान लो ये मना कर दे, तो एक तरह से एक ब्रोकर है यहां पे, जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। तो 1 करोड़ किसने भेजा है? ए ने भेजा है। 1 पैसे कहां चले जाएंगे? ए के पास। अब स्थिति ये हो जाए, मान लो ए मर जाए तो इसके उत्तराधिकारियों के पास। यहां तक की समझ में आएगी? ये पहला पैराग्राफ है। देखो ये कौन कर रहा है? जो व्यक्ति एंटाइटल नहीं है किसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। जैसे कोई सेक्शन था कि हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, कौन सेक्शन है? 7 है। तो 7 में क्या क्या था? एक तो ओनर होना चाहिए, ओनर नहीं है तो उसके पास पावर ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, तभी तो ट्रांसफर कर सकता है। मान लो नहीं है तो 3 सेक्शन 35, 41 और 43, ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जिनमें पर्सन ऑथराइज नहीं है लेकिन ट्रांसफर कर देता है दूसरी की प्रॉपर्टी के लिए। तो ट्रांसफर किया, कह दिया। ट्रांसफर का करने का मतलब इसने कोई लिखित नहीं कर सकता, वैसे ही कर दी कि बी की प्रॉपर्टी अब ऑथराइज ही नहीं है। लेकिन इसने क्या किया कि भैया तुम्हारी प्रॉपर्टी सूचना देना जरूरी है, तुम्हारा ये वाला मकान है ना, मैंने 1 करोड़ में बेच दिया। अब कोई आदमी का तब बेचोगे ना, उसकी कीमत तो थी 60 लाख, लेकिन आपने और ज्यादा दे दिया। मना कर दे तो क्या होगा? 1 करोड़ वापस। हाँ कर दे तो ट्रांसफर वैलिड। इतनी सी बात है, कोई और टफ और टिपिकल नहीं थी। यहां तक की बात समझ में आएगी सबके? किसी को कोई दिक्कत? मना कर दे, जे मर गया, मान लो इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, पता लगा जब तक इसने दूसरे दिन हार्ट अटैक आ गया, चला गया। अब उस पैसे का क्या होगा? मना कर दिया ना भाई, तू पैसे ले, अब तेरे पास पैसे तेरे अकाउंट में, एक तरह से इसके अकाउंट से इसके अकाउंट में चले गए। इसके अकाउंट में पैसे का क्या होगा? इसके उत्तराधिकारियों को बटेगा। क्लियर? कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल है। जो मान लो लॉ ना पढ़ते तो भी तो समझ में आता, इस बात में तो कुछ ऐसी है नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, सिर्फ नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना, ज्यादा मत पढ़ना। पढ़ लिया, पढ़ लिया। अब देखो इसमें क्या कह रहा है। मान लो अब ये गुरुजी हैं, गुरुजी हैं तो क्या कर रहा है कि जो फायदा दे रहा है वो ग्रेसवस है, दान कर रहा है कि गुरुजी को दान कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए का एक आश्रम।
अब यहां उल्टा हो गया, यहां उल्टा हो गया। अब के बार ये मारा, इसने इसने इसको पैसे भेज दिए, लेकिन इस ये निर्वाचन कर ही नहीं पाया, इलेक्शन कर ही नहीं पाया, उससे पहले ये डेथ होगी। उससे पहले डेथ हो गई तो क्या हुआ, बिका ही नहीं प्लॉट, अब वो पैसे का क्या होगा। गुरुजी के पास चले जाएंगे पैसे, चूंकि वो ग्रेसवस था, 1 करोड़ रुपया गुरुजी के पास चला जाएगा। अब एक और स्थिति, मान लो कि गुरुजी से उसने कहा, सर गुरुजी देखो ऐसा है, या तो आप 50 लाख रुपए ले लो, अपने आप देख लेना कोई प्लॉट, या 10 बीघा जगह में ले लो। जब 10 बीघा दे रहा हूं ना, तो वो कितने में भी आया उससे क्या असर पड़ता है। अब 10 बीघा के बी ने कहा, यार मैं तो 10 बीघा नहीं दे रहा, 50 लाख में 1 करोड़ लूंगा। बोले ठीक है 1 करोड़ ले ले। गुरुजी को कितना ग्रेसवस कितना था, 50 लाख या 10 बीघा, तो 10 बीघा तो दे ही नहीं रहा वो, तो गुरुजी पर कितने हजार रुपए जाने चाहिए, 50 लाख, तो 50 लाख तो गुरुजी को चले जाएंगे। अब बचे 50 किसके थे पैसे, तो इसके पास चले जाएंगे, ठीक है। मान लो ये भी मर गया तो फिर वही उत्तराधिकारियों के पास चले जाएंगे, इतनी सी बात है, समझ में आ गया। अब इसका दृष्टांत पढ़ लो, बहुत सिंपल है, इलस्ट्रेशन पढ़ो। बियर एक्ट लेके आया करो आप, क्या नाम है आपका, अनन्या, बियर एक्ट लेके आया करो। ये मोबाइल में से इतना अच्छे से पढ़ने में नहीं आता, मोबाइल में तो मेरे भी है, और कुछ पढ़ना पढ़ाना थोड़े ही है, एक नॉलेज गेन कर रही हो, ये नॉलेज पूरी लाइफ टाइम आपको सुविधा देगी। जज बन जाओगे तो भी देगी, एज एन एडवोकेट बन गए तो भी देगी, JLO बन जाओ तो भी देगी, APO बन जाओ तो भी देगी। नॉलेज है, कितना इंटरेस्टिंग लगता है कि अच्छा ऐसा हो तो क्या हो। देखो एक सिंपल सी बात समझाइए मैंने सेक्शन 35 में, कि मान लो ग्रेसवस लिया, गिफ्ट दिया, ग्रेसवस को मतलब कहते हैं एक तरह से दान, तो दान ये दे रहा है किसको, गुरुजी को, ये नहीं देना। अब दान में क्या दे रहा है, 50 लाख या 10 बीघा, जब इसने कह दी दे दिए पैसे, एड दो तरह, अब जमीन तो कितने की थी, 50 लाख, लेकिन दे दे तो एडिशनल दे दिया फायदा उसको, कितने का, 50 का और दे दिया, लेकिन वो इलेक्शन ही नहीं कर पाया, तो ग्रेसवसली दिया हुआ अमाउंट कितना है, बस इतनी सी बात है। तो जो एडिशनल दे दिया है तो वो गुरुजी के पास थोड़ी जाएगा, गुरुजी को फ्री में दे रहा है, 50 लाख दे दिए थे पहले, बाकी इसके बच्चों को चला जाए, इतने सा है। अब देखो इसके बाद जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दृष्टांत दे रखा है, इसका एक्सेप्शन टू द लास्ट प्रीसीडिंग 4 रूल्स। यहां ऊपर देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। सुल्तानपुर का खेत गा की संपत्ति है और उसका 800 रुपया है, का उसे दान की लिखत द्वारा खा को अंतित करने का प्रबंजना करता है, उसी लिखत द्वारा गा को 1000 रुपये देता है, गा खेत को अपने पास रखना निर्वाचित करता है, 1000 रुपये का दान उसे समप्रत हो जाता है। ये यहां तक का आपको समझ में आया क्या, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें। देखो दूसरा नियम है, उसी मामले में का निर्वाचन करने से पहले मर जाता है, उसके प्रतिनिधि 1000 रुपये में से 800 रुपये खा को देगा। यहां हमने 50 लाख की जगह पर 50 लाख और प्लस कर दिए थे, मान लो ये मर गया तो ये बच्चे ही तो वापस करेंगे, जो एडिशनल पैसे थे वापस नहीं करेंगे क्या। फिर है तीसरा, इस धारा के प्रथम पैरा का नियम लागू होता है, चाहे अंतरक
यह विश्वास करता हो या ना करता हो, जिसका अंतरण करने से की प्रमंजना करता है उसकी अपनी है। जो व्यक्ति किसी सव्यवहार के अधीन कोई फायदा सीधे नहीं लेता, किंतु उसके अधीन फायदा उसे प्रत्यय उत्पन्न होता है, उसे निर्वाचन करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपनी किसी एक हैसियत में कोई फायदा उस सव्यवहार के अधीन लेता है, वह किसी अन्य हैसियत में उससे विस्मत हो सकेगा। ये एक एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन का पहला पढ़ो आप, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं एक बार। जहां कि उस संपत्ति के स्वामी को जिसका अंतरण करने की अंतरक प्रवंजना करना करता है कोई विशिष्ट फायदा प्रदत्त किया जाना अव्यक्त किया गया है, ऐसा फायदा उस संपत्ति के बदले में किया जाना अव्यक्त है। वहां यदि ऐसा स्वामी संपत्ति का दावा करे तो उसे विशिष्ट फायदे का त्याग करना होगा, किंतु वह उसे संव्यवहार द्वारा उसे प्रदत्त किसी अन्य फायदे को त्यागने के लिए आबद्ध नहीं है। देखो सिंपल सी थी, यदि जिसको कहा कि भाई मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच दी है, इतना इतने की तुम्हारी प्रॉपर्टी, एडिशनल तुम्हें इतना दे रहा हूं, तो बोले यार नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो यार मैंने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया, तो क्या करेगा वो आदमी, वापस भेज देगा। यही बात लिख रही है नेक्स्ट पैराग्राफ। लेकिन कोई और फायदा है ना जिसका कोई संबंध नहीं है इस ट्रांजेक्शन से, संबंध नहीं है। जैसे मान लो वो दो दोस्त होते हैं, जैसे अभी बताया था कि बी बी एक दोस्त है इसका और ए, तो ए ने क्या है 10 लाख रुपया इसको इसकी बेटी की शादी में दिए थे। कब दिए थे? शादी में दिए थे। अब यहां इसने क्या किया कि 90 लाख और दे दिए इसको, कहा यार देख तेरे को मैं 1 करोड़ रुपए दे देता हूं, ये प्रॉपर्टी मेरे गुरुजी को दे दे। बोले ठीक है, इसने मना कर दिया। पैसे कितने दिए इसने? 1 करोड़। लेकिन ये जो दिए थे शादी में, इससे कोई मतलब नहीं है, ये वाले पेमेंट वापस देना है, ये तुम अलग से मांगो, उसी ट्रांजेक्शन का होगा वही वापस जाएगा, अन्य का नहीं। इतनी सी ही बातें आपको इस सेक्शन में ध्यान रखनी है, ठीक है। इनमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, बस वैसे आता नहीं, रेयर टू रेयर कभी आ जाए, तो नॉट सो इंपॉर्टेंट सेक्शन। ऐसे ट्रांजेक्शन कम होते हैं, लेकिन चूंकि प्रोविजन दिया हुआ है तो वो हमें पढ़ाना होता है। निर्वाचन का नियम वहां लागू नहीं होगा जहां अलग अलग संव्यवहार में पैसा दिया गया है। ये संव्यवहार कौन से? शादी वाला ट्रांजेक्शन अलग था, और ये तो केवल ये वाली बात करो इसकी नहीं। दूसरी स्थिति है, वो भी लगभग वही है, एक हैसियत में दिया गया है और दूसरी हैसियत में दिया हुआ फायदा। जैसे ए एक मालिक है और बी उसका नौकर है, बी की लड़की की शादी हुई तो इसने एक मारुति कार 5 लाख रुपए में, 5 लाख की आती है वो वाली, इसको दे दी, 5 लाख वाली मारुति कार दे दी। फिर बोला कि यार देख तेरा ही प्लॉट है ना, कोई काम नहीं आ रहा तेरे, मैं बेच देता हूं इसको किसी और को, कागज इसी पर रखे थे मान लो, या पावर ऑफ अटॉर्नी कर रखी थी, तो बोला देख तेरे पास 95 लाख पहुंच गए। बोले कैसे? 90 तो देख ये चले गए, 5 की तेरे उसमें कार भी तो दी थी तेरी छोरी की शादी में, तो वो कहेगा मैंने तो सोची थी कि आप दे रहे हो, आप कहते थे बेटी बेटी, आपने हिसाब में लगाना था तो मैं ही दे देता हूं, मैं नहीं देता, जरूरी थोड़ी कार देता मैं। बोले ऐसा है तो ये जो ट्रांजेक्शन है वहां नहीं लागू होगा, हैसियत अलग अलग है ना। एक लड़का है जिसकी उम्र 18 साल है, तो 18 साल है, वो 16 साल है, तो 16 साल है। अब ए ने प्रॉपर्टी का काम करता था, ए बी का प्लॉट था,
और इसने क्या किया, पहले एग्रीमेंट कर लिया कि ये प्लॉट मैं आपको दे रहा हूँ। बोलेगा ये लड़के लड़का हाँ कर देगा क्या, वो लड़का से कहलवा देता हूँ। लड़के ने भी कह दिया जो 16 साल का लड़का था, हाँ बोले हाँ कर दो। पर चूंकि 16 साल का था तो अभी इसकी कंसेंट कोई माने नहीं रखती थी, तो 2 साल तक इसका इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि 18 का ना हो जाए, वहां भी नियम लागू नहीं होता। ये इसके अपवाद हैं तीनों जो पढ़ने थे। एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी है तो ये एक ही, और ए का एक भाई था बी, जिसकी डब्लू थी। भाई की पहले डेथ हो गई, एक भाई था बी जिसकी डेथ हो गई, ये कोर्ट से मेंटेनेंस के लिए गई, तो कोर्ट से मेंटेनेंस इसको कह दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है इस पर से 10,000 रुपया महीना तुम्हें आता रहेगा। 10,000, ये भी सहमत था, बोले 10,000 रुपये तुम इसको देते रहना। अब ये प्रॉपर्टी का क्या किया कि सी को बेच दी और ये चला गया, भाग गया बंबई। अब प्रॉपर्टी किसकी थी, एक ही थी, लेकिन इसको मेंटेनेंस 10,000 रुपये मिल रहा था। अब सी उसमें काबिज होगा, धो पहुंच के इसने ये रहने लगा। 2-3 महीने बाद सी आई, उन्होंने कहा मेरे को पैसे दो। उन्होंने कहा तुम्हें काहे के पैसे दें, पैसे मेरा मेंटेनेंस का राइट है इस प्रॉपर्टी पे। बोले अब तो हमने परचेज कर ली, ये तुम्हारा राइट तो ए के पास था। बोले राइट तो ए के पास था, लेकिन राइट तो प्रॉपर्टी पे है ना, जहां प्रॉपर्टी जाएगी वहां मेरा राइट क्रिएट होगा। बोले बात तो सही है आपकी, नियम तो यही है, लेकिन इसके लिए सूचना होना जरूरी थी, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे को 10,000 रुपये देने। यदि हमें पहले ही बता दिया जाता तुम्हें 10,000 रुपये देते। ये सेक्शन 39 एक बार पढ़ो, गौर से पढ़ो, थोड़ा धीमे धीमे, क्या समझ में आया। एक लाइन अपनी लाइन बनानी, मेंटेनेंस वाली जो लाइन इसमें लिखी हुई है उस रूप में नहीं, अपनी लाइन बनानी। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा अलग टाइप से ले लेते हैं। मान लो ये कोई लड़की है, बी की लड़की थी, तो बी की प्रॉपर्टी और ये सब शामिल ही थी। उन्होंने कहा यार ऐसे लड़की का शादी भी करनी है, क्या करनी है, शादी करनी है, तो शादी का खर्चा है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। अब ए ने क्या किया, सी को बेच दी प्रॉपर्टी। ये बात इसको भी पता थी, बेच के आदि गिफ्ट कर दी इसको, क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट कर दिया रिलेटिव्स को। अब इनको ये बात इसको भी पता थी कि यार लड़की की शादी करनी है, सूचना थी इसको। अब ये लड़की बड़ी हुई, बड़ी हुई तो शादी की बात आई। सी कहने लगा मेरे को तो ए ने नहीं कहा था। बोले तेरे को पैसे से प्रॉपर्टी दी या फ्री में। बोले मेरे को तो दी तो गिफ्ट है। तो ये पहले से ही था ये प्रॉपर्टी पे, कि ये भार था पहले से ही, इसकी शादी भी करनी है, तो तुमने ग्रेस वॉस लिया प्रॉपर्टी। कैसी लिया, ग्रेस वॉस लिया, अब आपको करना ही होगा, इसकी शादी करनी होगी। देखो दो चीज है, जहां फ्री में ले रहे हो बिना प्रतिफल के ले रहे हो वहां तो करना पड़ेगा, जहां प्रतिफल के लिए ले रहे हो वहां नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सूचना है तो करना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब फिर दोबारा पढ़ो एक बार 39 को, इन पर क्वेश्चन तो नहीं आते अब जो है टीपी में। कभी कभी हम सोचते होंगे ऐसे प्रोविजन भी हैं क्या। पढ़ा, पढ़ लिया। देखो एक ओनर होता है ऑस्टेंसिबल ओनर, ऑस्टेंसिबल ओनर उसे बोलते हैं दृश्यमान स्वामी। या तो इम्प्लाइड या एक्सप्रेस रूप से ऐसा लग रहा है कि ये आदमी ट्रांसफर करने के लिए वैध है। क्या है, ट्रांसफर करने के लिए वैध है, ऐसा नहीं है, सब कुछ इसी की चलती है, उसको बोलते हैं ऑस्टेंसिबल ओनर। जैसे मान लो कब्जा उसी का है, सारी कुछ बातें वही कर रहा है,
तो ऐसा लग रहा है कि ये वैध है। तो यहां 41 ने कहा, एक चीज पढ़ाई थी ना एस्टोपल, भाई देखो एस्टोपल में क्या कहना चाह रहा है, गौर से समझो एस्टोपल को। वो कह रहा है कि उसी बात पर बने रहो जो पहले कही थी। अब जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में मैं कहूं जी ठीक है मैं इसे सेल करने के लिए तैयार हूं, तो आप सामान्य तौर पर क्या कहोगे कि सर आप ऑथराइज है बेचने के लिए? मैंने कहा हाँ सब कुछ मुझे ही लेना है डिसीजन, तो आप तैयार हो गए? उन्होंने कहा ठीक है सर, बात हो गई। अब हर तरह से देखा कि पावर ऑफ अटॉर्नी है या जो भी है, तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कुछ तो है, कब्जा है, सब कुछ है, अब ट्रांसफर कर दी। तो ये सेक्शन 41 कहता है कि केवल इस आधार पर ये एग्रीमेंट, ये सेल वर्डेबल नहीं होगी कि साहब ये तो ऑथराइज ही नहीं था। क्या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो खरीदने वाला था उसने पैसे दिए, गुड फेथ में भी खरीदी, वो बोनाफाइड परचेजर भी है, उसने सामान्य जानकारी ले ली कि यही है ऑथराइज। दूसरे पेपर में कहीं किसी का नाम मिला नहीं, इसी का नाम चल रहा है, तो उसकी क्या गलती है? उसकी कोई गलती है क्या? यही 41 है। क्या समझ में आया 41 में आपको? हाँ थे नहीं आप? फिर एक लाइन में समझो, 41 ये है कि अनऑथराइज्ड पर्सन कब ट्रांसफर कर दिया है। देखो दो तरह के मालिक हो सकते हैं किसी प्रॉपर्टी के। मैंने इसको रमेश को कहा, या रमेश मेरे को कुछ एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है। इसने कहा सर 10 बीघा जमीन हमारे यहाँ बिक रही है, और सही बिक रही है, सही रेट में, और मेरे खेत के पास ही है, पर वो बाहर वाले को तो महंगी देगा। वो मेरे से उसने कहा है कि तू तो इस रेट में ले ले। मैंने कहा चल ठीक है, पैसा मैं दे देता हूँ और तेरे नाम करा देता हूँ। देखो ओनर तो वो है जिसने पैसे दिए, आप किसी दूसरे के नाम पर संपत्ति ले सकते हो कि ले सकते हो, लेकिन ओनर कौन माना जाएगा? जिसने पैसा देने वाला। तो एक तरह से रमेश क्या हो गया? ऑस्टेंसेबल ओनर हो गया। कैसा ओनर? ऑस्टेंसेबल ओनर। ऑस्टेंसेबल ओनर दिखावटी स्वामी। कैसा स्वामी? अब दिखावटी स्वामी यही उस खेत को करता है, सब लोग देखते हैं यार यही कर रहा है। तो बाकी ये खेत में जो कुछ भी पैदा होता है वो मेरे को दे देता है, लेकिन लोगों क्या लग रहा है कि यार इसी का खेत है, सब कुछ इसी का है। एक आदमी आया, क्या जमीन बेच रहे हो क्या? तो बोले कि हाँ बेच रहे हैं। बोले आपकी है? हाँ। बोले मेरी है। अब इसने बेच दी। अब मान लो मैंने पहले कोई एग्रीमेंट कर रखा था इससे, और जिसने खरीदने वाले ने खरीद के इसको पैसे दे दिए। अब मैं उस ट्रांजेक्शन को वर्डेबल डिक्लेयर कराने के लिए गया जो रमेश ने कर दिया था कि ये रद्द किया जाना चाहिए, रमेश वॉज नॉट ऑथराइज टू सेल दिस प्रॉपर्टी बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज माइन। 41 कहता है कि केवल इस आधार पर कि प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड बाई रमेश, दिस ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर वर्डेबल। केवल रमेश ने बेची थी इस आधार पर, और रमेश अनऑथराइज था, इस आधार पर वर्डेबल नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली आपने ही उसे पावर दे रखी थी, वही कर रहा था, वही सब कुछ कर रहा था, इसलिए वर्डेबल नहीं होगा। अर्थात मेरे से कह रहा है उसी बात पर बने रहो जो जिस बात पर तुमने पावर दे रखी थी ना, नाम उसके बेचना करना सब कुछ वही दिख रहा था, दृश्यमान स्वामी तुमने ही बनाया था, आज तुम मना क्यों कर रहे हो कि नहीं जी वो नहीं बेच सकता था। अब दोबारा पढ़ो पट्टी वन को, दोबारा पढ़ो पट्टी वन में एस्टोपल दिया हुआ है। पढ़ लिया? अब देखो दूसरी बात पढ़ा रहा हूं मैं, इसमें केवल अभी तक तो मैंने रमेश के हिस्से की बात बताई। एक आदमी है जो इस बात का गवाह बना था कि मैंने रमेश को पैसे भी दिए हैं, जमीन मैंने खरीदवाई है, उनमें से ही एक आदमी कहता है यार रमेश तू अपने सर से जमीन बिकवाना, बोले मैं ही बेच देता हूं, सर के पास जाने की जरूरत कोई है नहीं, अब तो कोचिंग भी खत्म हो गई। अब वो आदमी खरीद लेता है, कौन सा, जिसे ये बात पता थी कि पैसे किसके हैं, वो खरीदता है, तो ये वर्डेबल है। क्या समझ में आया? जिसे सूचना थी कि रमेश इज ओनली ऑस्टेंसेबल ओनर, तो वर्डेबल हो जाएगा। अब समझ में आएगा 41? अब नोट्स भी देख लो, तो ये हो तो नोट्स में यही लिख रहा है। इसमें एक गौतम नहीं सॉरी कुंटू वर्सेस मैक्वीन एक केस दे रखा है मैंने, उसकी कहानी पढ़ लेना, मैक्वीन वाला केस है, राजकुमार कुंटू वर्सेस मैक्वीन। चलिए ऐसे ही इसमें एक केस और है, मोहम्मद सुलेमान वर्सेस सकीना। उसमें भी क्या था, सकीना चली गई मक्का मदीना और वापस आई तो उसका जो भतीजा था उसका मकान मकान बेच दिया, लेकिन वो जिस दिन आई उसी दिन उसने लगा दिया भाई मेरा मकान है इसका मकान नहीं, तो रह रहा था। तो जो लेने वाला है यदि लेने, देखो एक लाइन का है पूरा का पूरा सेक्शन 41, दिखावटी स्वामी द्वारा किया गया विक्रय केवल इस आधार पर वर्डेबल नहीं होगा कि वो दिखावटी स्वामी था, किंतु ये सूचना खरीदने वाले के पास थी तो ये वर्डेबल डिक्लेयर हो जाएगा। दोनों बात समझ में आएगी, इतना सही है 41। ये बात आपके पक्की समझ में आ गई है तो कभी नहीं बोलोगे 41 में वो सकीना और कुंटू और ये तो इसलिए बना रखे हैं कि समझाने मात्र के लिए केस होते हैं, इनमें ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। केस लॉ इंपॉर्टेंट होता है जहां सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हो। सकीना कुंटू समझ में आ गई? क्या था, एक था राजकुमार, दूसरी और एक सुलेमान, नहीं सुलेमान वाला दूसरा केस है मैक्वीन।
सिर्फ मामला क्या था, एक आदमी ए था, एक डब्ल्यू थी, डब्ल्यू से मैक्यून का जन्म हुआ, इसकी पत्नी पहले ही डेथ हो गई थी, डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू। ठीक, अब क्या किया कि डब्ल्यू टू ने, ये तो छोटी थी, डब्ल्यू टू ने इसको राजकुमार को बेच दी जमीन, और इसे लग रहा था, इसने क्या किया कि भाई डेथ हो गई इसकी, तो एक ही प्रॉपर्टी जाके जो पी प्रॉपर्टी थी सारी की सारी डब्ल्यू टू को दे दी थी इसने, डब्ल्यू टू को दे दी थी, लेकिन इसके पास तो लिमिटेड इंटरेस्ट था, कैसा इंटरेस्ट, लेकिन प्रॉपर्टी थी इसकी। अब ये बड़ी हुई और तब तक माँ बेच चुकी थी उसको, अब माँ चली गई, मैक्यून ने कहा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी छोड़ मेरी है, और माँ तो ऑथराइज ही नहीं थी, उनने कहा भाई माँ ही ऑथराइज लग रही थी हमें, तो हमारी क्या गलती, हमने तो दाम दिए, हमारी क्या गलती है, प्रॉपर्टी लेने के लिए दाम दिए थे, और माँ ही तेरी ऑथराइज लग रही थी, तेरा बाप तेरे लिए प्रॉपर्टी दे गया था, हमें थोड़ी पता है तेरी माँ के लिए दे गया था तेरे लिए दे गया था, हमें तो ऐसा लग रहा था कि माँ के लिए ही दे गया हो, माँ से ही प्रेम था, वो दे गया था अपनी बेटी के लिए, तो इसकी गलती है क्या राजकुमार की? तो वर्डिबल डिक्लेयर नहीं किया कोर्ट ने। समझ में आ गया क्या आपके? इतनी सी बात थी, दोनों केस समझ में आ गए। नेक्स्ट, देखो रूल ऑफ एस्टोपल 41 में भी है और 43 में भी है। कभी कभी क्या होता है कि जो अपराधकृत है, अभी जो रमेश वाला एग्जाम्पल दिया था, क्या रमेश वाला एग्जाम्पल दिया था, रमेश को ऑथराइज नहीं था लेकिन रमेश ने प्रॉपर्टी को बेच दिया, पी प्रॉपर्टी किसने बेच दी, रमेश ने बेच दी, प्रॉपर्टी किसकी थी, एम की थी, और एम के और रमेश के बीच में पहले से ही एक एग्रीमेंट था जिसके बारे में सर्वविदित था, सबको पता थी ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी ये, रमेश ने कहा सर एक काम करो ना, ये पैसे वैसे ले लो आप अपने और ये खेत मुझे दे दो, मैंने कहा चल ठीक है तू पैसे का इंतजाम कर मैं तेरे को दे दूंगा, लेकिन तब तक रमेश ने क्या किया, पैसे वैसे का इंतजाम किया नहीं, तब तक अधिकृत भी नहीं था, तो इसने इस प्रॉपर्टी को डी को बेच दिया, किसको बेचा, डी को, रमेश ने सबसे कहा देखो तुम्हें पता ही है कब्जा मेरा सब कुछ मेरा, मैं लेने वाला हूं, सर से बात चल रही है, मेरे पास ही आएगी, बोले डी ने कहा चल ठीक है ले लेते हैं। अब इस बात में पैसे रमेश पे हुए नहीं, दो साल निकल गए, डी ने कहा प्रॉपर्टी दे, बोले प्रॉपर्टी कहां से दे दूं मेरी है ही नहीं, जिस दिन एग्रीमेंट किया था उस दिन मेरे पास प्रॉपर्टी कोई थी नहीं, इसलिए एग्रीमेंट वॉइड है, इसलिए मैं कुछ नहीं दूंगा। दो साल बाद रमेश में पैसे हो गए, ये प्रॉपर्टी आ गई, ये पैसे दे चुका था, ये तो बैठा गया, अब डी को पता लगा अब रमेश ही मालिक हो गया है, डी को क्या पता लगा अब रमेश ही मालिक हो गया, रमेश से कहा भाई प्रॉपर्टी दे, बोले जिस दिन बेची थी उस दिन तो मैं मालिक ही नहीं था, उस पुराना वाला एग्रीमेंट वॉइड है, उस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है, नहीं अब वैलिड हो गया, अब कैसा होगा, वैलिड होगा, ये 43 यही है, मतलब जो आदमी पहले ओनर नहीं था फिर ओनर बन जाता है तो वो लायबल भी हो जाएगा, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक आदमी टी था, टी का एक एस था, अकेला लड़का था, इस टी के पास बहुत प्रॉपर्टी थी और इसने ये अपनी जो प्रॉपर्टी थी बहुत प्रॉपर्टी अर्जित की, एक दिन टी क्या है हार्ट अटैक आ गया, मरा नहीं लेकिन भर्ती था हार्ट हॉस्पिटल में, हार्ट वाले हॉस्पिटल में भर्ती था और डेथ बेड पे था, उन्होंने कहा मरने ही वाला है, ये एस एक बनिया के पास पहुंचा, उन्होंने कहा सेठ जी
मेरे को कुछ पैसे चाहिए। बोले पैसे तो दे दूंगा यार, मेरे को तो मैं उधार तो नहीं देता। कि नहीं, मेरे पापा की दिक्कत चल रही है। बोले चल तू एक काम कर, इस प्रॉपर्टी को बेच देना मेरे को। बोले मैं तो अभी ओनर नहीं हूं उस प्रॉपर्टी का। कोई बात नहीं, ओनर तो तू बनेगा ही। तो बोले ठीक है, तो आप पैसे दे दोगे? बोले हाँ, 1 लाख रुपए इसने दे दिया, एग्रीमेंट कर लिया उससे, 1 लाख रुपए दे के। अब इनकी डेथ हो गई। बी ने कहा भाई प्रॉपर्टी दे। बोले क्यों दूँ? जिस दिन तुमसे मैंने 1 लाख रुपए लिए था, मैं तो कुछ था ही नहीं। क्या कह रहा है? मैं तो कुछ था ही नहीं, ना मेरे नाम प्रॉपर्टी थी तुमने दी, और वो एग्रीमेंट कोई काम का नहीं है, फाड़ के फेंक देना। अब मैं मजे से बेचूंगा जिसका मन करेगा उसको, 1 करोड़ रुपए में। 1 लाख रुपए में ही मैं प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, देखे ऐसे सेठ जी। तो उससे फिर वो कोर्ट में जाता है, तो वो कह रहा है कि सेक्शन 43 लागू होगा, कि पहले नहीं था ओनर लेकिन अब बन गया ना, तो पहला एग्रीमेंट जब ओनर नहीं था वो वैलिड हो जाएगा। समझ में आ गया? 43 पढ़ लो एक बार फटाफट, फास्ट पढ़ो, थोड़ी देर हो सकता है, घंटा आधा घंटे के लिए आपको वैसा ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है, एसी लगा रहे हैं वो, तो यहाँ पर खर खर कर आवाज वावाज होगी, तो थोड़ा सा हो सकता है ऑनलाइन वालों में से भी कुछ लोग आ जाया करेंगे, उन्हें लगा गर्मी लग रही है। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि मैं तब फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ जब तुम रिप्लाई नहीं देते हो ना, जवाब नहीं देते हो। इतने सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और सीरियली मेरे को तो बहुत मजा आता है पढ़ाने में। जितना इंटरेस्ट मुझे पढ़ाने में आता, किसी चीज में आता नहीं। बाकी तो मेरे को करने पड़ते हैं, बाकी इतने सारे लोग रख रखे हैं। ये मेरे सबसे ज्यादा रुचि की स्थिति ये है, और मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को पढ़ने से ज्यादा रुचि किसी चीज में आनी नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा रुचि इसी में आनी चाहिए। कई लोग कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अरे यार, मन कैसे नहीं लगेगा, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। पढ़ने से अच्छा तो कुछ नहीं है। हम क्या क्या बातें कर रहे हैं, कभी मैक्यून को ला रहे हैं, कभी सिंपल सिंपल बातें हैं। हाँ नहीं, उस समय मिल जाएगी, बाद में तो बन गया ना ओनर। बेशक उसने मान लो यही फ्रॉड करता, बेटा ही कहता सेठ जी मेरे को दे दो, तुम्हें पता ही है मैं ही इसका मालिक बनूंगा, सूचना देता, लेकिन बन जाना चाहिए पहले। देखो सिंपल सी बात है, एक लाइन का है, जो पहले ओनर नहीं था ओनर बन जाता है ना, तो अब ठीक है आप पहले नहीं थे, आज बन गए ना, इतना सा बस। अब देखो बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सेक्शन है, जिस पर खूब क्वेश्चन आते हैं, 52 52 ये 52 भी तो बताया होगा, नहीं बताया था शायद, इंपॉर्टेंट है 52। 37 में जो रह गया था वो शायद 52 भी था, ये नहीं बता पाया था। रूल ऑफ लिस्प एंडिस, इसलिए तो 37 नहीं हुए थे वो, कितने रह गए थे? मेरे से भी कभी कभी हो जाती है ऐसी भूल। सेक्शन 52 है टीपी का, एक लाइन का है पूरा का पूरा। बस देखो,
स्वामित्व को लेकर कोई किसी प्रॉपर्टी का मैटर किसी कोर्ट में पेंडिंग है ना, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं होती। मतलब किसी टाइटल को तय किया जाना है और कोई कोर्ट में मैटर चल रहा है तो प्रॉपर्टी का ऐसा जो ट्रांसफर है वो, कई बार लोगों को लगता है ना अरे यार कोर्ट में चल रहा है मामला, चलो ऐसा करते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, क्या पता हम हार गए तो। अरे भाई तुम्हारा जो ट्रांसफर है वो वैलिड नहीं है। वो वैलिड कब होगा? जब ये रूल ऑफ डिस्पेंडेंस खत्म होगा, मतलब केस खत्म हो जाएगा तब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मान लो ये आपका एक मकान है, मकान आपने किराए पे दे रखा है ना बी को, आपका मकान है आप में और डी में, इस मकान को लेकर कोर्ट में मैटर चल रहा है, स्वामित्व कौन का है? मतलब ओनरशिप को लेकर मामला चल रहा है। आप किराएदार के पास पहुंचे, यार वो पैसे दे ना, मेरे क्या है आजकल वो कोर्ट में डेट पड़ रही है, तू पैसे दे। बोले सर मैं नहीं दे रहा, आपका मामला कोर्ट में चल रहा है। अरे तेरे से क्या लेना था ना, तेरे को तो देने हैं पैसे। बोला नहीं सर मैं आपको पैसे दे दूंगा। क्या तू नेता मत बन, सेक्शन 13 को 116 ध्यान नहीं है क्या एविडेंस एक्ट का, ध्यान आ रहा है? अरे भाई जो किराएदार है, ध्यान नहीं आ रहा किराएदार वाला? एस्टोपल नहीं था क्या उसमें? अरे वही तो है। यहां पर क्या है, केस चल रहा है। देखो तीनों सेक्शन में, 41 में, 43 में आपने वो पढ़ा था एस्टोपल, और 35 में भी। यहां पर क्या है, यहां दोनों में आपस में केस चल रहा है। दूसरी एस्टोपल तो इस बात पे लागू होगा, तू चेंज नहीं हो सकता। अब पैसे नहीं दे रहा है तो इसने क्या किया, मुकदमा कर दिया। किसके ऊपर? बी के ऊपर। उन्होंने कहा सर वो तो लिस्ट पेंडिस चल रहा है इसलिए नहीं दिया। अरे तेरे को लेना देना नहीं है, इसका और इसका है, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते स्वामित्व के मामले में। लेकिन रिकवरी का केस लाया जा सकता है, और भी केस लाए जा सकते हैं। 52 पढ़ लो एक बार। देखो ये जम्मू कश्मीर शब्द हटा देना, समझ में आ गया यहां तक? अब देखो ऐसा है, ये इनमें केस चल रहा है ना, तो कोर्ट ने क्या कहा, एको कोर्ट से कहा ए ने कि सर मैं अपनी प्रॉपर्टी का एक काम करना चाह रहा हूं। कि क्या? कि मेरा मकान है इतना लंबा चौड़ा मेरे कब्जे में है, चलो ठीक है, डी मेरे ऊपर केस कर रखा है, तो मैं इसको क्या है कि कोचिंग वाले को लीज पर देना चाह रहा हूँ, कोचिंग वाले को लीज पर देना चाह रहा हूँ। कोर्ट ने कहा दे दो, बेच नहीं रहा लेकिन लीज पर देना चाह रहा हूं तो दे दो। तो क्या कहना चाह रहा है कोर्ट, जो शर्त आरोपित करे, कोर्ट कह दे बेच दो, बेच भी सकते थे। तो कोर्ट जिन कंडीशंस को इम्पोज करे, अंडर दोज कंडीशंस ही कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, अदरवाइज नॉट। क्या समझ में आया? कि इफ एनी मैटर इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, कोर्ट इज ऑफ इंडिया, भारत, एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो, कहीं की हो, कोई सी कोर्ट हो, इसलिए लिखा है एक लाइन का ये 52 क्या है कि इफ मैटर इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट फॉर इट्स ओनरशिप, सच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड।
बट कोर्ट में गिव द परमिशन अंडर द कंडीशंस देन अप टू दैट लिमिट विच इज इम्पोज बाय द कोर्ट कैन ट्रांसफर. अब गौर से समझ लो, समझ में आ गए. अब एक और 52A पढ़ लो. 52A तो 53A है भाई. जब ए बोल रहा हूं तो थोड़ा तो समझा करो. अच्छा 53A ये भी बताया था क्या, कपटपूर्ण अंतरण नहीं बताया था. 53 देखो इसी के साथ है. 53 सिर्फ एक लाइन का है, अपने लेनदारों से बचने के लिए ट्रांसफर वो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कहलाता है. कैसा, अपने लेनदारों से बचने के लिए जो डेटर्स हैं उनसे बचना चाह रहे हो, बचने के लिए कोई ट्रांसफर किया जाए कैसा ट्रांसफर कहलाएगा, वायर ट्रांसफर कहलाएगा. जैसे ही पता लगी यार मकान है, एक काम करते हैं, मैंने मान लो मैंने कोई पर्सनल लोन ले रखा है, 1 करोड़ रुपए का पर्सनल लोन ले रखा है. वैसे देती नहीं बैंक 1 करोड़ रुपए किसी को पर्सनल लोन, मान तो देती भी होगी कितनी लोगों को है, देती है, हमें तो दिया नहीं आज तक. अरे मैं तो कई लोगों से मांग चुका, कई बैंकों से मांग चुका, दिया ही नहीं, नाबार्ड देता है. अच्छा हमें पता ही नहीं, नाबार्ड की फुल फॉर्म बता. मतलब नेशनल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. खैर 1 करोड़ का पर्सनल लोन ले लिया. अब मेरे को पता लगा कि वो तो खाता ही एनपीए हो गया और वो अब पैसे वैसे नहीं दे पा रहे हैं ये, तो देखा कि मेरे पास क्या है, कि मेरे पास है एक घर है. उन्होंने कहा चलो ठीक है घर बेच देते हैं. क्या कर रहे हैं, घर बेच रहे हैं. अब बैंक वाले चक्कर काटा घर मत बेचना, वो उससे पहले ही बेच दिया. ये कहलाएगा फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर. कौन सा ट्रांसफर, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर. पढ़ लो एक बार जल फटाफट, पढ़ लिया. इसमें 2 एक्सेप्शन दे रखे हैं, इंसॉल्वेंसी और दूसरा बोनाफाइड परचेजर. कौन सा, बोनाफाइड परचेजर. अब मान लो किसी बेचारे ने ले लिए, मेरे को पैसे दे दिए, मैंने वो पहले उड़ा दिए, तो वो क्या कहेगा, सर मेरी क्या गलती है, मैं तो बोनाफाइड परचेजर था, मुझे पता ही नहीं कि ये आदमी कपटपूर्ण अंतरण कर रहा है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कर रहा है, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो लिया, तो वहां पर ये प्रभाव नहीं पड़ेगा. दूसरा इंसॉल्वेंसी एक्ट, मान लो मैं दिवालिया घोषित हो जाता हूं, और तो दिवालिया घोषित होने का मतलब मेरे से बहुत सारे लोग मांगते हैं और पर मैं देने की स्थिति में नहीं हूं, तो उनके राइट कैसे खत्म होंगे, उन्हें भी तो पैसे चाहिए. वैसे इसके लिए ये है कि जो भी आदमी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी का अलग अलग हिस्से हैं, पहले किसको देना है, फिर किसको देना है, फिर किसको देना है, सीपीसी में दिया हुआ है. पहले कौन किसको देना है पैसा, जो भी प्रॉपर्टी आती है, बाद में किसको देना, ये. तो इसके 53 के 53 सीधे डायरेक्ट ना पूछ के वो आपसे अपवाद पूछ सकता है. गिफ्ट कर दिया, वॉटेबल होगा ट्रांसफर. एक आदमी के ऊपर कर्जा हो रहा था, एक प्रॉपर्टी का वक्फ कर दिया, फिर ये पत्नी को गिफ्ट कर दिया, दूसरे ऐसा कर दिया, तो वो सारा का सारा ट्रांसफर कैसा हो जाएगा, वॉइडेबल. वॉइडेबल का मतलब है वो दूसरी पार्टी चाहे तो केस करके वॉइड डिक्लेयर करा सकती है. जब वॉइड डिक्लेयर कराना होता है ना तो उसे वॉइडेबल कहते हैं. वॉइड डिक्लेयर कराना होता है तो, क्योंकि 2I में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2I में वॉइडेबल की डेफिनेशन दे रखी है, एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी.
तो उस पार्टी जो चाहती है वॉइड डिक्लेयर कराना तो उसे कहते हैं वॉइडेबल। और एक होता है वॉइड, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है शुरू से ही, मतलब उसे कर ही नहीं सकते थे, उसे बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। क्या बोलेंगे? वॉइड एब इनिशियो। देखो 53A समझो थोड़ा। 53A में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक मकान लिया, स्केल्टन लिया, स्केल्टन समझते हो, स्केल्टन मतलब बना हुआ नहीं है, एक मकान लिया 200 गज का स्केल्टन है, कुछ बना हुआ है कुछ नहीं बना हुआ। अब क्या हुआ कि ये मैंने लिया बी से, तो बी ने, बी के अकाउंट में पैसे वैसे भी डाल दिए, सारा डाल दिया, बी ने कब्जा दे दिया। मैंने कहा रजिस्ट्री, बोले रजिस्ट्री करा लेना, कभी भी रजिस्ट्री की मना थोड़ी है। स्केल्टन विस्केल्टन सही करा दिया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब उसके चक्कर काट रहा हूँ यार, वो करा तो सही, रजिस्ट्री तो करा, तो नहीं करता है ना, तो 53A का मुकदमा दायर कर सकते हैं रजिस्ट्री के लिए, क्योंकि एक ही आधी परफॉर्मेंस हुई थी मेरी तरफ से पूरी हो गई, उसकी तरफ से आधी हुई थी, रजिस्ट्री कराना भी उसका दायित्व था। यह है 53A, पढ़ डालो एक बार फटाफट। जो भी ऑनलाइन वाले मैसेज डालते हो ना, तत्काल जब कुछ पूछना हो तो तत्काल इमीडिएट डाला करो, या फिर हैंड रेज किया करो। हैंड रेज तुम करते नहीं, सिर्फ सुनते रहते हो लेक्चर, जैसे कथा सुन रहे हो। अरे ऐसा हो भी सकता है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। समझ में आ गया 53A? अभी ब्रेक के बाद ऑनलाइन वालों से, आप सब लोगों से टाइटल्स पूछूंगा 53A तक, मतलब यहाँ तक एक पार्ट पूरा हुआ। अब दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट इससे छोटा है, बहुत फास्ट करा दूंगा उसको, ठीक है? 12:15 बज गए, जाके खाना खाया 15-20 मिनट में।